हेलो, वेलकम टू मैजिक प्रैक्टिस सीरीज, 28 डे सीरीज, डे 3। हम इसमें आपके लाइफ के हर एक एरिया को मैजिकल बनाने वाले हैं बाय द मैजिक, जो रोंडा ब्रायन की ये मैजिक बुक सीरीज है, इसके थ्रू जो इसमें प्रैक्टिस दी गई है हम उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। ये 28 डे सीरीज में ऑलरेडी हमने डे 2 कर लिया है एंड वी आर ऑलरेडी फीलिंग सो ऑसम। आज हम बात करेंगे डे 3 प्रैक्टिस की, मैजिकल रिलेशनशिप्स, कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को मैजिकल बना सकते हैं। बिकॉज लाइफ में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आफ्टर योर हेल्थ, तो वो है रिलेशनशिप्स। सोचिए, अगर आप बहुत एकदम ही अकेले हैं, आपके आसपास कोई भी नहीं है अपने किसी भी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो फिर आपके लाइफ में क्या ही मज़ा रह जाएगा, है ना। तो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस डे 3 में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को मैजिकल बना सकते हैं। तो ऑथर बोलती है कि रिलेशनशिप को मैजिकल बनाने का सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल रहना, उसको काउंट करना एज अ ब्लेसिंग, उसके लिए थैंकफुल रहना। इसमें लिखा है कि जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक भी कंप्लेन अगर करते हैं, तो हमें उसके इक्विवेलेंट 10 times उसके लिए जो है ब्लेसिंग्स हमें बोलनी पड़ेगी, थैंकफुल हमें रहना पड़ेगा, उसकी उस रिलेशनशिप की 10 blessings को काउंट करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशनशिप हमारी जो है वो फ्लरिश होगी। वरना हमारी रिलेशनशिप, अगर हमने किसी के बारे में बार बार सिर्फ कंप्लेन करी, तो वो रिलेशनशिप डिटोरिएट होती ही चली जाएगी। ये बहुत कॉमन है कि अगर किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं सही चल रही है, तो आप कंप्लेन करेंगे। वो आपके बॉस हो सकता है, आपके सास हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ सही नहीं चल रही है और आप उसके बारे में बुरा फील कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा डिटोरिएट कर रहे हैं। तो ऑथर क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के बारे में एक भी कंप्लेन करते हैं, तो आपको उसके सामने उस रिलेशनशिप की 10 blessings को लिखना होगा, तभी वो रिलेशनशिप जो है वो राइज करेगी। वरना अगर एक भी आपने कंप्लेन की, तो वो रिलेशनशिप जो है वो डिटोरिएट होती चली जाएगी। एक कंप्लेन का हमें तोड़ है 10 blessings। मतलब कि अगर आपने अपने बॉस को लेके एक कंप्लेन की कि मेरा बॉस कैसा है, और उसके बारे में कुछ बुरा बुरा बोला, तो उस रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छा करना है, तो आपको उसके सामने 10 blessings की, इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा है। शायद वो बॉस जो है वो आपको इंडिपेंडेंटली काम करने देता है, या बॉस जो है वो आपके जो भी आपका प्रमोशन है उसके साथ बहुत फेयर है। ऐसी 10 चीज़ें आपको उस रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स लिखनी है, ताकि जो आपने वो 1 complaint लिखा है उसको आप निगेट कर सके। हम क्या है, हम हर एक चीज़ के बारे में सिर्फ कंप्लेन करते हैं, और हम जितना कंप्लेन करते हैं हम उतना उस चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ते चले जाते हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ सही नहीं चल रही है, आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में कंप्लेन करना, बुरा फील करना, किसी और के साथ उसकी बुराई करना, या उसके साथ नेगेटिव इमोशन रखना, आपको ये सब कुछ बंद कर देना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस ब्लेसिंग, उस रिलेशनशिप को ब्लेस करना पड़ेगा। उस रिलेशनशिप में क्या अच्छा चल रहा है वो देख के आपको वो लिख के उसके लिए थैंकफुल रहना पड़ेगा, ताकि आपकी बुरी से बुरी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाए, और ऐसे आपके रिलेशनशिप में ये मैजिक चल जाए, ऐसा ऑथर बोलती है। ताकि ये जब आप जिस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होते हैं, वो रिलेशनशिप फ्लरिश करती है, और जिस रिलेशनशिप के लिए आप कंप्लेन करते हैं वो और ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आपका अपने रिलेशनशिप को लेके आपकी क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। इसमें ऑथर बोलती है कि वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। अगर आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो आप एक्चुअल में खुद की लाइफ को ही हार्म करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप ऐसी और गलत रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में और ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑथर बोलती है, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैजिकली बढ़ानी हैं, तो आपको उन सब चीज़ों के लिए कंप्लेन करना बंद करना है जो गलत है, बल्कि को उनके लिए थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना शुरू करना है, ताकि वो
सारी चीज़ें जो गलत चल रही है वो ठीक हो जाए। तो ऑथर बोलती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अपने सारे रिलेशनशिप्स को मैजिकल बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको उन सब के लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, भले ही वो रिलेशनशिप अभी सही नहीं चल रही है, लेकिन जब आप उन रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, तो वो रिलेशनशिप जो शायद अभी सही नहीं भी चल रही है वो मैजिकली बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हो जाएंगी, वो फ्लरिश करना शुरू कर देंगी। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो आपको उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है, ताकि वो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और ज़्यादा पावरफुल हो जाए, और ज़्यादा मैजिकल हो जाए। ठीक है, तो इसकी आज की आपकी डे थ्री प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको कोई भी तीन रिलेशनशिप जो है उनको आपकी लाइफ में जो भी है तीन, उनको आपको चूज़ करना है। ठीक है, आपके वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकता है, पेरेंट्स, इन लॉज, कोई भी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, कोई भी आप तीन रिलेशनशिप को जो है वो आप चूज़ कर लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ शर्त ये कि आपके पास उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, ये तो तब का है जब यू नो मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो हमारे पास तो सबकी फ़ोटोज़ होती हैं। तो वैसे लोग जिनकी आपके पास फ़ोटो है, ऐसे तीन रिलेशनशिप को आपको चूज़ करना है। फिर आपको बैठना है और आपको सोचना है कि हर एक उन तीन में से एक एक करके उन रिलेशनशिप्स के बारे में, कि आपको उस रिलेशनशिप के बारे में, उस इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई इंसान, जैसे वो हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो, वो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हंसाती है, बहुत हैप्पी मोमेंट्स लेके आती है, आपका सारा स्ट्रेस ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया, एंड आप उस अपने दोस्त की कंपनी में बहुत ज़्यादा लव्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, तो आप उस रिलेशनशिप के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जो आपको लव्ड फील कराते हैं, पैम्पर्ड फील कराते हैं, आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। और तो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी थैंकफुल बोल सकते हैं, बिकॉज आप जितना उस रिलेशनशिप के लिए थैंक यू बोलेंगे उतना वो आपकी लाइफ में अच्छी होती चली जाएगी, मैजिकल होती चली जाएगी। तो जब आपने ये लोग चूज़ कर लिए, ये तीन, आपको क्या करना है, एक की फ़ोटो लेनी है, एक एक करके एक की आपने पर्सन वन की फ़ोटो ली, और आपको बोलना है थैंक यू डैश, थैंक यू उनका नाम, थैंक यू दिस, क्योंकि, जैसे कि थैंक यू आपकी सहेली का नाम, क्यों, क्योंकि तुम मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा हंसाती हो, हैप्पी फील कराती हो, रिलैक्स फील कराती हो, मैं तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। ऐसी पांच चीज़ आपको लिखनी है हर एक इंसान के बारे में। तो आपको उसकी फ़ोटो सामने रखनी है, उस इंसान के बारे में सोचना है, उसके बारे में पांच चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं वो सोचना है, और आपको लिखना है थैंक यू उस इंसान का नाम, थैंक यू दिस डैश, क्योंकि डैश, आपको जो भी आपका रीज़न है कि आप उनके साथ आपको अच्छा लगता है, आप लव्ड फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, ऐसा आपको पांच पांच चीज़ें लिखनी है हर एक रिलेशनशिप के बारे में। इसके बाद ऑथर बोलती है जब आपने इन तीनों के बारे में एक एक बार पांच पांच चीज़ें लिख ली और उनके नाम के साथ, वो रीज़न के साथ उनको थैंक यू बोल दिया, तो अब ये फ़ोटोज़ जो हैं आपको कहीं ऐसी जगह रखनी है जहाँ वो आपको दिन में तीन चार बार वो फ़ोटो दिख जाए, और जब भी आपको वो फ़ोटोज़ दिखे आपको थैंक यू बोलना है। तो मैं बोलूँगी कि आप अपने वॉल मोबाइल फ़ोन का वॉलपेपर बना सकते हैं, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर बना कर रख सकते हैं, या कहीं ऐसे व्हाट्सएप में सबसे ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको वो फ़ोटोज़ आसानी से दिख जाए, और जितनी बार वो तीन चार बार दिन में जब भी दिखें आप थैंक यू जरूर बोलें, मैजिकल वर्ड थैंक यू बोलें और उसको फील करें। तो आप वो जो रीज़न आपने लिखा था उसको सोच लें, क्योंकि वो रीज़न आपकी फीलिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, और आप उनको फ़ोटो देख कर सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, आपको वो इमोशंस फील भी करेंगे और आप थैंक यू बोलेंगे भी, तो ज़रूर थैंक यू बोलें। तो इसमें ऑथर बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरे 28 डेज़ की जो आपकी जो प्रैक्टिस है, जितने दिन बचे हैं उसमें करें, लेकिन अगर आप चाहें इसको रिमेनिंग डेज़ में रोज़ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप रोज़
तीन नए रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या आप सेम रिलेशनशिप के लिए भी पूरे रिमेनिंग जितने भी दिन हैं 28 दिन तक आप उनके लिए थैंकफुल रह सकते हैं, वो लिख सकते हैं। क्योंकि ऑथर बोलती है कि आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे एक रिलेशनशिप के लिए, वो उतनी और ज़्यादा मैजिकल बनती चली जाएगी। तो आपको डे 3 की एक्टिविटी करनी है, इसके बाद आप चाहें तो बाकी जितने भी हमारे दिन बचे हैं आप उसमें ये एक्टिविटी कर सकते हैं। नाउ एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमें इस मैजिक प्रैक्टिस में क्या क्या करना है। तो हमने किया है डे 1 की मैजिक प्रैक्टिस। अगर डे 1 का आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके डे 1 का वीडियो देख लें, इसी प्लेलिस्ट में, मैजिक सीरीज 28 डे सीरीज के प्लेलिस्ट में ही है डे 1 का वीडियो। तो वो डे 1 का वीडियो देख लें। आपको अपनी रोज सुबह उठना है, अपनी डायरी निकालनी है और वो 10 चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल रहना है और लिखना है कि आप उसके लिए थैंकफुल क्यों हैं। 10 चीज़ जब आपने लिख ली तो आपको ज़ोर से उन चीज़ों को पढ़ना है और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गए डे 1 प्रैक्टिस। फिर आपको दिन भर क्या करना है, आज ये डे 3 में आपने तीन रिलेशनशिप चूज़ की, उनकी फ़ोटोज़ चूज़ किए, हर एक रिलेशनशिप के बारे में आपने 5-5 चीज़ें वो लिखी जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। आपने उनका नाम लिखा, थैंक यू उनका नाम, और वो रीज़न लिखा कि क्यों आप इसके लिए थैंकफुल हैं। ये आपने तीनों के लिए 5-5 चीज़ें लिखी 5-5 बार, और उसके बाद आपने दिन भर वो फ़ोटोज़ अपने सामने रखनी है और जब मौका मिलेगा आपको उन रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू बोलना है। फिर रात को आप जब बेड पे जाएंगे आपको अपने ड्रॉअर से अपना निकालना है मैजिक रॉक, और आपको दिन भर में आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ उसके बारे में सोचना है, और जो सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ हुई उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, थैंकफुल रहना है। ठीक है, तो ये है आपकी मैजिक डे 3। हम लाइफ को बहुत ज़्यादा मैजिकल बना रहे हैं, हर एक एरिया को मैजिकल बना रहे हैं। ज़रूर ज़रूर उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस मैजिक सीरीज़ का एक भी एपिसोड मिस नहीं करें। थम्स अप लिखें अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा ट्रांजिशन फील हो रहा है, और जब आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे तब वापस आके ज़रूर इस वीडियो में मुझे कमेंट लिखिएगा कि आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। ठीक है, टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।